इस वक्त माइंड की जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसकी किसी भी बात को या उसके बिहेवियर को इग्नोर करो, बस सीरियस मत लो। मैं भी देखती हूँ कैसे होती है यहाँ पर शादी। बीना, कितना टाइम लगेगा सब में? बस 5 मिनट। हाँ, अभी हेयर ट्रीटमेंट भी है, मुझे जल्दी घर जाना है। आप एक सेकेंड मेरा फोन उठाइएगा। हेलो दुल्हन बीबी, वो मीरा बेबी सीढ़ियों से गिर गई। अल्लाह खैर, क्या हुआ बच्ची को? ठीक है वो? उनके सर से खून निकल रहा है। आप कहाँ थी? हाँ, आप बेहोश हो गई थी, एक बच्ची नहीं संभाली जाती आपसे। मैं अरे ये क्या किया तुमने? वो आटा गूंद लेती हूँ मैं, लेकिन गलती से पानी आई थिंक ज्यादा पड़ गया, इस वजह से वो थोड़ा पतला हो गया। मैं और आटा लेके अगर डालूंगी तो ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे गूंदोगे तो? इसमें तो पानी की नहर डाल दी है तुमने। मेरी मुंह से बात होगी, वो कह रहा मुझे कोई इतराज नहीं निकाह पहले करने में, ठीक है? अरे ये क्या किया आटे के साथ? क्या हशर कर दिया तुमने? आटा गूंदना नहीं आता तुम्हें? अरे हद हो गई, क्या बाजार से मंगवाते थे हर वक्त? आटा भी नहीं गूंदना आता, रोटियां कहां से आती थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हद हो गई। अल्लाह मुझे माफ कर दो। अरे क्या माफ कर दूं, आग लगी हुई है हर चीज को, आटा इतना महंगा हो गया, ये बू किस चीज की आ रही है? क्या अस्तग़फ़ार। लो भाई 200 रुपए किलो भिंडी है, पकड़ के जला के कोयला कर दी। आटा चाटा कुछ नहीं, तुम जवान जहान लड़की हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी फौड़ हो गई है। माँ बाप है नहीं तुम्हारे, पर तुम्हें एहसास नहीं है क्या मुसीबत ले आई मैं अपने घर? लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदारी, बच्चों की वो छोड़कर तुम घर से बाहर चली गई। अरे मुलाजमत तो मुलाजमत, मां की तरह ख्याल थोड़ी रखेगी। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा, मुझे लगा मैं एक घंटे के अंदर आ जाऊंगी, और आप ही ने तो कहा था कि अपना ख्याल रखो, इसलिए मैं चली गई। ये तो नहीं कहा था ना कि बच्चों को यूं छोड़कर चली जाओ अपना ख्याल रखने के लिए? मेरे बच्चे मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम है, आइंदा ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। जी पापा, जी पापा, किचन पापा आ गए, दर्द हो रहा है, दवाई लेकर आओ उसकी। हाँ दवाई खा लो, भी ठीक हो जाएगा बेटा, पापा आ गए। चलो बाबा, क्या अच्छा पीना? बेटे ठीक हो?
सॉरी। सॉरी की तो थी मैंने खाला से, लेकिन वो तो मुझे कोई बहुत बड़ी मुसीबत समझती हैं, लेकिन ठीक ही समझती हैं। कितना बड़ा नुकसान कर दिया ना आज मैंने उनका। अच्छा तुम रो तो मत यार माए। माए नमी ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत और मशक्कत करके जिंदगी गुजारी है। छोटी से छोटी चीज लेने से पहले बहुत सोचना पड़ता था। ये जो गुर्बत और महरूमी है ना, ये बहुत अजीब चीज होती है। इंसान के हालात चाहे जैसे मर्जी हो जाए, ये कहीं ना कहीं अंदर रह जाती है। इसलिए छोटा नुकसान भी बहुत बड़ा लगता है। तो ये सब मैंने जानकर तो नहीं किया ना। मुझे नहीं आते किचन के काम, और किससे सीखती? अभी कोई घर भी तो नहीं रहा मेरा। देखो मम्मी का गुस्सा वक्ती है, उनको भी एहसास है कि कुछ ज्यादा बोल दिया उन्होंने। मान जाएंगे तुम, बस अब उठो यहां से चलो। मैं कुछ देर और यहाँ बैठना चाहती हूँ। देर रात हो गई है, बस अब जाओ जाकर सो, उठो प्लीज। मैंने कहा ना प्लीज। अरे मैं अपनी बच्ची से भला नाराज हो सकती हूँ? बस गुस्सा आ गया था। आखिर इंसान हूँ ना, गुस्सा आ ही जाता है। अब वो भी इनकी वजह से आया। तुम लोगों ने ज्यादा बकवास कर ली, बात इतनी थी नहीं। चल मेरा बच्चा, अब उदास नहीं होना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी आ गया? हाँ मैं आज बीच पर जाना था तो इसलिए जल्दी आ गया। कि जी अम्मी, आपने माहिन को इतना डांटा ना, तो हमारी इतनी तफरी तो बनती है। अच्छा भी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अब तो बता दिया ना, तुम लोग तैयार हो जाओ। बस दो मिनट में चेंज हो जाएगा भाई। माहिन तुम भी उठो, चेंज कर लो। चलो आजो, आजो, आजो। चलो बस मुंह ठीक करो। अब मुंह ठीक करो, मैं अपनी बच्ची को ऐसा सिखाऊंगी ना, तुम लोग देखती रह जाओगी। ठीक है अम्मी, मैं भी चेंज कर। हाँ हाँ कर ले। क्या सोच रहे? कुछ भी नहीं। पर मैं तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ। क्या? यही के जो मेरे दिल में है आज। खैर क्या है तुम्हारे दिल में? माई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I love you. क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? कौन सी बात? यही जो मैंने अभी बोला, दोबारा बोल। Please, Mohis. वही तो मुझे अच्छी लगती हो, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन? हाथ छोड़ो। माही मैं अपनी मोहब्बत का सबके सामने इकरार कर सकता हूँ,
इतनी हिम्मत है मुझमें? मुझमें नहीं है। गुस्सा रखो माही, मैं तुम्हारे दिल के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पहले दिन से। कौन सा पहला दिन? वही पहला दिन जिस दिन मैंने अपने अलावा किसी और के बारे में सोचना शुरू किया था, और वो तुम थी। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, तुम ही तो बताओ कुछ। हिस, अबू के जाने के बाद से ना मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो लेकिन उनके जाने से पहले क्या सोचती थी मेरे बारे में? अब हर बात मुझसे कहूँ? भाई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कुछ तो बोलो। माही तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो मैं चले ना भाई, कुछ खाते हैं। आ माही चलो ना, मोहित आ जाओ। चलो हाँ, उदासी तो अभी ठीक नहीं हुई उसकी, जाहिर है अभी दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए मैंने मुझ से कहा इन लोगों को जरा घुमाने ले जाओ, वो समंदर तक लेके गया है, थोड़ा दिल बहल जाएगा। दुल्हन बीवी चाय? क्या तो बड़ी अच्छी बात है खाला, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र रहती है। मैं भी उसको कॉल कर ही रही थी लेकिन उसने उठाई नहीं कॉल। फोन बैग में होगा इसलिए पता नहीं चला होगा। तुम बताओ बच्चे कैसे हैं, हारून कैसा है? जी बच्चे तो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हारून भी ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था ना हमने रिसेंटली घर शिफ्ट किया है, तो हारून चाह रहे थे कि घर की खुशी में छोटा सा फंक्शन भी रख लें। मैं चाह रही थी कि इस वीकेंड में आप लोग सब खाने पे आए तो। बेटा मेरे लिए तो मुश्किल होगा, बच्चे आ जाएंगे। नहीं नहीं खाला आपको तो आना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद आऊँगी आपको इनवाइट करने के लिए। क्या है ना कि घर के कामों में इतना बिजी हूँ कि घर से निकलना ही नहीं हो रहा है। मैं आऊँगी खुद से आपको इनवाइट करने के लिए। खाला आपने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ वो अच्छा देखती हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है? मसला है भी और नहीं भी, मैं कुछ समझी नहीं। पता है वो ऐसा है कि माहीन का मिजाज कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ टेढ़ा सा है, जैसे आम लड़कियां होती है वैसा नहीं है। I understand. देखिए मुख्तलिफ तो वो है, थोड़ी सेंसिटिव भी है, हम लड़कियों की तरह नहीं है वो, छोटी छोटी बातों को फील करती है। और फिर आप देखिए ना चाचा को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा उसको संभलने में। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, मुझे तुमसे एक मशवरा भी करना था। कैसा मशवरा? वो सदफ के ससुराल वाले इसी हफ्ते में निकाह करना चाह रहे हैं, कोई मजबूरी है उनकी, तो मेरे ख्याल में माहीन को ये बात अच्छी नहीं लगी। जाहिर है उसके अब्बा को मरे अभी एक महीना नहीं हुआ। और परेशान ना हो, मैं घर आती हूँ, मैं आके माहीन से बात करती हूँ, उसको उसको समझाती हूँ, ठीक है? अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, खुश रहो तुम। माहीन आती है ना तो मैं उससे कहती हूँ तुमसे बात करती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोइस तुम अच्छे हो, मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन मोहब्बत
फिर तो आज काफी प्यार आ रहा है। बहुत अच्छे लग रहा है। और ये क्या बात की, प्यार तो हमेशा ही आता है। जाहिर नहीं करती ना तुम। अब हर दिल की बात जाहिर करने की तो नहीं होती। ख्याल में तो कर देनी चाहिए। अच्छा लेकिन मेरे ख्याल में जो बातें आंखों से कही जा सकती हैं, उन पर लफ्जों भी क्यों जाया करें। आज हमारे बीवी रोमांटिक हो रही हैं, लगता है ऑफिस से छुट्टी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऑफिस जाए आप। ये क्या बात हुई यार, एक तो बीवी की समझ नहीं आती, खुद ही रोमांटिक हो रही थी, अब जब शौहर भी होने लगा तो बेचारे शौहर को दूर धकेल दिया, दूर चले गए उससे। शौहर इतना भी बेचारा नहीं है ऐसे। गौर से देखो मेरे चेहरे पे बेचारगी लिखा हुआ। बिल्कुल भी नहीं, जरा सा प्यार का जता लो आप तो फ्री हो जाते हैं। चले चले। मैंने सोच लिया कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ। अच्छा पक्की बात है? चले फिर ठीक है, अच्छी बात है ना आ जाए। हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना शॉपिंग पे चलते हैं, वैसे भी इवेंट करीब है, तैयारियां भी नहीं हुई, कैसा? अच्छा तुमने याद दिला दिया, आज अपनी और बच्चों की सारी शॉपिंग कर लेना। तो आप नहीं जा रहे? नहीं नहीं, ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत काम है, वक्त भी निकाल पाऊंगा, तुम जाओ एक साथ चले जाओगे। हारून आपको पता है मैं आपकी मर्जी बगैर कुछ भी नहीं लेती। प्लीज आज अपनी पसंद से ले लो, और अगर आपको पसंद आया तो प्रॉमिस दोबारा जाकर खरीद दूंगा, लेकिन आज तो करना पड़ेगा। Okay. लगता है मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। Okay. हारून जी जाने हारून। वो मैं कह रही थी कि नफीसा आंटी को हमने इनवाइट नहीं किया है, आप कहें तो बुला लो। बुला लो, तुम्हारे रिश्तेदार बुलाना चाहते बुला लो, चल तो पाए। रुके मैं आ रही हूं छोड़ने। अरे अरे ये क्या करे, अरे रुक ना, पानी क्यों डाल रही हो, पहले हड्डियां भून तो लो। इतनी तो भून ली है खाला, पतीली जलने लगी है। अरे हद हो गई, सालन में प्याज तैरते भी अच्छे लगेंगे, भला भूनो इसको, भूनो। अब हल्का सा छींटा ला दो, चलो। छींटा कहाँ है, छींटा हाथ में लेके हल्का सा छींटा, अब टमाटर डालो, टमाटर डाल के उसके बाद पे, ये क्या तरीका है टमाटर डालने को, काट के डालते हैं, हद हो गई भाई। देखना अम्मी तुम्हें ना शेफ बनाकर ही छोड़ेंगी। मुझे नहीं बनना शेफ। अरे गोली मारो शेफ वेफ को। देखो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को खाना पकाना आना चाहिए, औरत का जेवर होता है खाना पकाना। अच्छा लगता है भला मर्द पेड़े बनाता हुआ, आटा गूंथता हुआ, हंडिया में चम्मच हिलाता हुआ है। अम्मी ये तो फैशन है आजकल का। लानत है ऐसे फैशन पे, जानती हूँ इस दौर का तो हर फैशन ही अजीब है। बस लड़कियों का दिल करता है ब्राउन बाल करके, खोल के मेकअप थोप के एसी वाले मालों में घूमती रहे और मुफ्त का खाना खा ले, बस खत्म। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हद हो गई। ये क्या कर रही हो, काहे को पानी डाल, टमाटर के बाद पानी डालने, छीटा कहा था। अम्मी मेरी बात आप लिख लें, ये कुछ नहीं सीखने वाली, आप ऐसे इस पर अपना सर खपा रही हैं। मैंने भी ठान लिया है इसे सिखा के ही दम लूंगी। छोड़े ना अम्मी, जब समरा कुकिंग सीखेगी तो ये भी सीखेगी। समरा अभी पढ़ रही है, उसके कॉलेज की पढ़ाई है, जब उसका वक्त आएगा सिखा लूंगी। चल जा देख बाहर कौन आया। अच्छा जब पानी ज्यादा हो जाए ना तो फिर आग तेज कर देते हैं और ढक्कन नहीं देते, ठीक है? माही के दिल में क्या है मेरे लिए, उसने क्यों नहीं कहा जो मेरे बारे में सोचती है, शायद वो मेरे सामने बोलने से शर्माती हो, मुझे फोन पे उससे बात करनी चाहिए।
भाभी माही क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो अपनी बिसात से बढ़कर ख्याल रखती हूँ इसका। बहनें भी सारा दिन आगे पीछे होती रहती हैं, इसके बावजूद भी अगर ये ऐसे रोएगी तो फिर तो शायद मेरी ही कोई कोताही हो। ग्वाला ऐसा नहीं है, वो अबू का ख्याल आ गया। खाला माहिन बहुत सेंसिटिव है, थोड़ी इमोशनल भी है। वैसे भी चाचा को गए हुए भी दिन ही कितने हुए हैं, ठीक हो जाएगी, थोड़ा दिन लगेगा। अपने बच्चों से पहले इसके लिए दुआ करती, और क्यों ना करूं, मेरी मरहूमा बहन की निशानी है। मैं जानती हूँ खाला, हम सब जानते हैं ये बात, आप क्यों कह रही हैं ऐसे? अच्छा यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ तो गर्मी हो रही है, चलो ना अंदर कूलर लगाए, कुछ चाय वाय पीते हैं, बल्कि खाना जाओ बाबूजी खाने में, देखो नायला खाना खा के जाएगी आज। अरे नहीं नहीं खाला, बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बस आप लोगों को बुलाने के लिए आई थी, घर पे छोटी सी तकलीफ है, मैं चाह रही थी कि आप लोग सब आते। हाँ पूरी कोशिश करूँगी मैं। खाला मैं माहिन को शॉपिंग पे ले जाना चाह रही थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, जितना मेरा हक है उतना ही माहिन पे तुम्हारा हक है, ले जाओ। शुक्रिया बाला। माहिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खाला के साथ ही बैठी, ठीक है फिर चलते हैं। बल्कि साथ तुम भी चलो ना साथ। ये क्यों जाएंगी? वैसे ही मैं सोच रही थी कोई साथ हो जाता तो अच्छा था। अरे नहीं बेटा नायला, सदफ क्यों जाएगी, और सदफ चली गई तो घर का काम कौन करेगा, मुझसे तो वही होता नहीं, अब तुम लोग जाओ। अच्छा वापसी पे माहिन तुम्हारे साथ जाएगी या घर आएगी? जैसा आप कहें। मैं ये सोची थी कि कल फंक्शन पे तो आना ही है, तो फिर चाहे रख लेना 2-3 दिन के लिए, लेकिन अभी घर आ जाए। ठीक है चल, शरबत वरबत तो लेकर आना, चल इतनी गर्मी हो रही है। अरे मेरी बच्ची ना, महंगा है ना। खाओ, तुम्हें पसंद है? The dress is really nice. कलर भी बहुत प्यारा है। तुम पे सूट भी ठहरा है। तुम्हें पसंद है? ना प्यारा ड्रेस किसे नहीं पसंद होगा, तो फिर ले लो, चलो तुम्हारे लिए लेने थे, इसको ले लेते तुम्हारे लिए। अच्छा प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इधर आओ। ये बताओ ये कैसा है, एक तो हारून की चॉइस इतनी
मुश्किल है, समझ ही नहीं आता क्या लूं, पता नहीं पसंद आए ना आए उन्हें। ठीक वैसे कैसा है? अच्छा है, ऐसा करती हूँ दो ले लेती हूँ, कहीं ऐसा ना कि उनको पसंद आए ना आए। अच्छा एक ये ले लेते हैं, दूसरा मुझे वो भी पसंद आ रहा है, ये देखो दिस कलर इज रियली नाइस। ये कैसे, ये ले लूं? अच्छा है। अम्मी ये क्या है, शोरबा या शोरबे की नहर, क्या तैरना है इसके अंदर? बड़ी नाशुक्री हो, शुक्र करो खाने को मिल रहा है। क्या सदा फापी, ससुराल जाने की इतनी खुशी हुई आपको कि आपने हंडिया ही नलके के नीचे रख दिए। ये खुशी मुझे नहीं, हमारी माही को चढ़ी थी, जिसने अम्मी की कड़ी निगरानी से चिढ़कर ना पूरी हंडिया पानी से भर दी। अम्मी आप खाना बनवा रही थी माही से? अम्मी मेरी बात सुने, जिस तरह की माही है ना, मुझे नहीं लगता वो आपसे कुछ सीखेगी। अरे बेटा ऐसे कौन से डंडे चला रही थी मैं उसके ऊपर, खाना ही बनाना सिखा रही थी। अम्मी अभी रहने दें, उसको थोड़ा घर में एडजस्ट तो होने दें, ज्यादा से ज्यादा उसे चाय बनवा लिया करें, इस तरह तो क्या, इस तरह से क्या? अम्मी आपने देखा नहीं वो किस तरह से नाला आपी के गले लग के रो रही थी, अब पता नहीं क्या क्या शिकायतें लगाई होंगी उसने, समझे ना? बेटा अल्लाह जाने मैंने तो ऐसा कुछ जुल्म नहीं किया, इतना ही बता रही थी कि भाई जरा सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। फिर भी मम्मी उसको थोड़ा सा टाइम, आप ही की शादी हो जाएगी ना, खुद ब खुद काम करने लग जाएगी वो, अभी जबरदस्ती मत करें। तुम लोगों के दिमाग ना उल्टे चलते हैं, मतलब सारा दिन मोबाइल देखती रहे, पलंग पे बैठी, काम ना सीखे कोई भी, है ना? ये पैसे कौन से गिन रही है, थोड़े से दे देना, मुझे ना सूट लेना है, पहला आपी की तरफ भी जाना है ना, और फिर सादा फापी का भी तो निकाह है। सुनो मेरी बात, 40,000 की कमेटी डाली थी वो निकली है, फजूल खर्ची के बारे में सोचना भी मत, सदफ के निकाह के लिए ये। धनी भी तो नायला के घर भी जाना है, वहां पे भी कुछ लेके जाना होगा, इन पैसों में से कैसे पूरा करूंगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहा नफीसा खाला ने, कहना क्या है, वो बस चाहती है कि मैं पूरा घर संभाल। क्या मतलब? अभी आप जानती है ना मुझे किचन के काम नहीं आते, खाला मुझे सारे किचन का काम कराते, और अगर मुझे भी गलती हो जाए ना तो बहुत गुस्सा करते हैं। माही प्लीज प्लीज मेरी जान ऐसे रो तो मत, प्लीज मुझे परेशानी हो रही है। आपको पता है अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना काम करते तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, सदा आपे मुझे नई बातें सुनाती है। पता है उस दिन क्या हुआ, मैं ना आटा गूंद रही थी और आटे में ना पानी ज्यादा गिर गया मुझे,
उन्होंने चीख चीख के काला को बुलाया। काले ने मुझे इतना गुस्सा किया। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। आप उनसे कोई बात ना करना। अब आप उनसे बात करोगी ना तो उनको लगेगा कि मैंने आपको चुगली की है और उनका फोन में से खराब हो जाएगा। फिर क्या करें? काश बाबा मुझे छोड़ कर जाता। पर मगर जा रहे बस उसे फिर अपने साथ ले जाते। माही पागल हो गई हो? ऐसी मनफी बातें नहीं सोचता, आइंदा से ऐसे कभी नहीं कहना। मनफी बातें ना करूं तो क्या करूं? मुझे बताए कौन है मेरा? मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। आज की बात ऐसी बात कभी ना करना तुम। अच्छा अच्छा चलो चलो शाबाश, खाना खत्म करो फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? पापी मैं ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। आप खाला से कहकर अगर मेरा एडमिशन करा देंगी तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकती है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। बल्कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मुझे लगता है उसके बाद तुम्हें ये नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगी। मैं बात करती हूँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, ठीक है? चलो अब शाबाश, अब खाना खा। गुड गर्ल। क्या जबरदस्त शॉपिंग कराई है नायला आपी ने मुझे। ये देखें फंक्शन के लिए ये जोड़ा लेकर दिया है मुझे। इतना खूबसूरत आपी, देखो ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पूरे 32,000 का है। क्या है 32,000 का? सलाम अलैकुम भैया। ये देखो नायला आपी ने माही को इतना खूबसूरत ड्रेस लेके दिया है। सिर्फ यही नहीं, ये सेट ये भी पूरे 20,000 का है। माही तुम इतने महंगे तोहफे नहीं लेने चाहिए थे, तो मना कर देती उन्हें। मैं क्यों मना करती? नायला आपी ने अपनी खुशी से लेकर दिया है मुझे, मैंने थोड़ी ना मांगा था उनसे। बल्कि रुको, ये आपके लिए। ये क्या? और ये समरा के लिए। नायला आपी ने आप दोनों के लिए भी कपड़े भेजे। अरे नहीं नहीं, इनके लिए क्यों भेजे उसने? अब तुम लेके क्यों आई हो बेटा? नहीं छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं लेने। मी देखे तो सही कितना प्यारा है ये। इसने दीदी को तो हर चीज अच्छी लगती है। छोड़ दो छोड़ दो, तुम रख दो रख दो, मैं खुद नायला को वापस करके आऊंगी, अच्छा नहीं लगता। चलो खाला क्यों वापस करेंगे आप? नायला आपी ने इतने प्यार से भेजे हैं ये कपड़े। आप कैसी बातें कर रही है? तुम देखो उनकी खुशी हमारे लिए एहसान बन जाएगी, और पता नहीं हम इस काबिल हों भी कि उनका एहसान उतार सके ना उतार सके। नहीं तुम ये लपेट के रख दो, हम खुद वापस कर दें, मैं खुद वापस करके आऊंगी नायला को। छोड़ दो। अम्मी मैंने कहा ना रखो इसे। अच्छा ना जा। इतने महंगे कपड़े हैं क्यों मैं लूं? क्या जरूरत है लेने की? वापस कहां से करेंगे? अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना काम करते सब लोग मेरा मत मजाक बनाते। सनम आपी मुझे नींद बातें सुनाती है। पता उस दिन क्या हुआ? मैं ना आटा गूंद रही थी और आटे में ना पानी ज्यादा गिर गया। उन्होंने चीख चीख के गालों को बुलाया
ताने ने मुझे इतना गुस्सा किया। माही मेरी गुड़िया, काश मैं तुम अपने साथ लेके जा सकती। मैं जानती हूँ हारून बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले भी जाऊं। हेलो जी, जी हारून जी, मैं फ्री हो गई हूँ। अच्छा अच्छा, आप लेट आएंगे, कोई कोई बात नहीं जी, मैं घर पहुँच के बता दूँगी आपको। ओके, खुदा हाफिज़।